सर्दियों में जो है अक्सर लोगों की स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, स्किन पर जो है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है और वो अपनी स्किन से जो है ड्राइनेस को ख़त्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी स्किन जो है मॉइस्चराइज रहे, स्किन जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ग्लो करे, तो वो इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सर्दियों में जो है हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हमारे स्किन पर जो है ग्लो नहीं रहता है, हमारी स्किन जो है ग्लोइंग नहीं होती है, मॉइस्चराइजिंग नहीं होती है। तो हमें जो है स्पेशल ऐसा फेस पैक रेडी करना होता है तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम जो है स्किन पर कौन सा ऐसा फेस पैक इस्तेमाल करें जिससे हमारी स्किन जो है ग्लोइंग हो, स्किन जो है मॉइस्चराइज हो। सर्दियों के लिए जो है मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सा फेस पैक लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो आइए जल्दी से हम इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पर बेसन। आपने जो है 1 टेबल स्पून जो है बेसन का लेना है। इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हल्दी। आपने जो है थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी का ऐड करना है। हल्दी जो है हमारी स्किन से एक्नी और पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है, एक्नी और पिम्पल्स को जड़ से ख़त्म करती है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। आपने जो है ग्लिसरीन का ऐड करना है इसके अंदर, तो आपने जो है थोड़ी सी इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कर देनी है ताकि आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज रहे, स्किन पर जो है ग्लो रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे कर्ड यानी कि दही। तो आपने जो है 1 टेबल स्पून के बराबर इसके अंदर दही का ऐड कर देना है और अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। दही भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके अंदर हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही आपने इसके अंदर ऐड कर देना है यहाँ पर हनी यानी के शहद। आपने जो है 1/2 टेबल स्पून के बराबर जो है इसके अंदर हनी का ऐड कर देना है और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है ये आपका ज़बरदस्त सा ग्लोइंग फेस मास्क जो है रेडी हो जाएगा। ये जो फेस मास्क मैंने रेडी किया है ये विंटर के लिए है, सर्दियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने यूज़ कैसे करना है, आपने जो है फेस को पहले अच्छे से वॉश करना है और वॉश करने के बाद जो है आपने इसको फेस पर अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद जो है आपने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना। जब ये ड्राई हो जाए तो हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए आपने इसको रिमूव कर देना है और आपकी स्किन जो है फर्स्ट बार के एप्लीकेशन से ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज होगी, ग्लो करेगी, आपकी स्किन पर एक ज़बरदस्त सी शाइन आएगी। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।